हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JCS क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था संख्या पद्धति के बारे में, और आज हमने आपको बताया था कि आज हम संख्याओं के योगफल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं संख्याओं का योगफल हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो जो एक से स्टार्ट होती हो, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा? उसका फार्मूला रहेगा n n+1/2। क्या करना है आपको? जितने भी नंबर्स आपको जोड़ने हैं उनमें एक ज़्यादा बन करके गुणा कर दीजिए और उन टोटल का आधा कर लीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ और नहीं करना है। एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, 1+2+3+4+.80, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, एक से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है? 80 तक। एक से शुरू होकर 80 तक गया, तो क्या हम इसमें नहीं कह सकते कि हमारे पास 80 संख्याएं हैं? संख्याएं हमारे पास टोटल कितनी हैं? 80। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, यानी 80 हो जाएगी। क्या करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग? जितना है उतना, उसके बाद में एक और जोड़ना है, यानी 80 में एक और जोड़ेंगे, 81 बटे कितना कर देंगे? 2। यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 10 लगा दीजिए, आंसर हो गया। बात इतनी समझ गए? बस इतना। अगला देखते हैं, एक और निकालते हैं। मैं लिखता हूँ और आप इसको ट्राई करिएगा। 1+2+3+.95, हमने इसको लिखा है। आप वीडियो को पॉज करिए, इसे ट्राई करिए और फिर मैच करिएगा कि हमारा आंसर और आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कितनी इजीली निकाल पा रहे हैं। क्या करना है देखिए, 1 से स्टार्ट हुआ है, 95 तक गया है, नंबर 95 हो गए, 95 में एक और जोड़ना 96 अपॉन कितना करना है? 2। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। और 48 और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4560। ठीक है, 4560 आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस फार्मूले की मदद से n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब हमें क्या लेना है? सम संख्याएं लेनी है। सम संख्याओं का मीन्स 2, 4, 6, 8+.80 तक हमें लेना है और इनका सम निकालना है। इसका फार्मूला क्या रहेगा? इसका फार्मूला रहेगा n n+1। इसमें अपॉन में 2 नहीं करना है आपको, क्या करना है? n n+1। बस जितनी संख्याएं हैं उनमें एक ज़्यादा से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिए, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? 80 तक। कल मैंने आपको बताया कि जो सम संख्याएं होती हैं वो कितने के अंतर से चलती हैं? 2-2 के अंतर से चलती हैं, उन्हें 2 का डिफरेंस रहता है। अब 2 से अगर आप चलना शुरू करो और 80 तक जाओ तो आपको संख्याएँ कितनी मिलेंगी, कितने नंबर्स मिलेंगे ये बताइए। तो देखिए, अगर हम 2 से चलना शुरू करें और 80 तक जाएं तो हमें कितना मिलेगा? 40 संख्याएं मिलेंगी, 40 मिलेंगी ना, इसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो हमें संख्याएं कितनी मिली? 40। गुणा किससे करना है? 41 से। देखिए, एक ज़्यादा से गुणा करना है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये लीजिए आपका आंसर। बात समझ गए? एक और ट्राई करते हैं, 2+4+6+8+100। ठीक है, देखिए यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी? 2 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं? 2 से लेकर 100 तक 2-2 के अंतर से चल रही हैं, यानी 50 संख्याएं। बात समझ गए? 50 को किससे गुणा करना है? 51 से। गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 0, यही आपका आंसर। कोई टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा में। अगला है एन प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं।
इसका फार्मूला है एन स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, जितनी नंबर है उसको उसी से गुणा करा देना है और हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा सटीक। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + .. 41। यहाँ तक समझ गए? अब हमें क्या करना है, 41 तक, 1 से लेकर 41 तक कितने विषम नंबर आएंगे, कितनी विषम संख्याएं आएंगी, ऑड नंबर कितने होंगे करना है, तो क्या करना है, 41 है इसमें एक और ऐड करके आधा कर दीजिए, 42 का आधा 21, यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 21 × 21 करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। 21 और 21 की अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 441, ये आपका आंसर। इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। देखते हैं अगला है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हमें वर्गों का योगफल ऐड करना है, तो इसका फार्मूला होता है, क्या करना है आपको, जितनी नंबर्स हैं ठीक है उसमें एक ज़्यादा करिए, फिर उस नंबर का दुगुना करके एक ज़्यादा करिए, जो भी आता है इनका गुणनफल उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वर्गों का योगफल करना है, मान लेते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर वर्ग, ठीक है, और हमें कहाँ तक, 20 का वर्ग तक निकालना है, इतना क्लियर। क्या करते हैं, कहाँ तक, एन कितने नंबर है हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक लगातार जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास संख्याएं हैं 20। एक ज़्यादा करना है, कितना हो जाएगा, 21। फिर क्या करना है, दुगने से एक ज़्यादा 20 × 40 और 41 बटे में कितना करना है, 6। यहाँ तक क्लियर। 2 से काट दीजिए 2 + 2 = 3, 3 से इसको काट दीजिए 7, इतना क्लियर। 7 × 7 + 7 = 28, ठीक। अच्छा एक जीरो यहाँ वाला, ये लीजिए, बताइए टफ, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है। एक मैं लिखता हूँ और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसको ट्राई करिएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर सही करते हैं। अगला है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए, n n+1/2² कर दीजिए, ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल निकाल चुके हैं ना हम, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उसी का वर्ग करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब + 10 का क्यूब, इतना क्लियर, ठीक। 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे, ठीक। क्या करना है, 10 में 1 जोड़ना है, कितना हो गया, 11 हो गया, अपॉन में कितना करना है, 2 करना है, फिर टोटल का क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्लियर। 2 से काट दीजिए 2 × 5 = 11 कितना हो गया बेटा, 55। 55 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। देखिए 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं, अगर इकाई का अंक आपको 5 मिले, वर्ग करने की ट्रिक, पीछे का सीधा करिए 25 और यहाँ देखिए कितना है 5, तो 5 का क्या कर दीजिए आप, 6 से गुणा, 5 × 30, ये लीजिए इसका योगफल आ गया, क्लियर। एक मैं लिखता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं, ठीक है, इसका आंसर इसी फॉर्मूले से बताइएगा। देखिए क्या कहता है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग या फिर 20 गुणजों का योग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ 3 के पूछ लिए, कभी 9 का पूछ लेगा या 8 का पूछ लेगा या 5 या 6 का पूछ लेगा, क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है। देखिए 3 के पूछे हैं तो 3 लिख दीजिए
और उसके बाद में जितना नंबर पूछा हो उसको क्या करिए, एक ज़्यादा से गुणा करके आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना पूछा हो उसका एन एन प्लस वन अपॉन टू करके आधा कर दीजिए। एग्जाम्पल ये है कि तीन के दस गुणजों का योगफल पूछा है, तो यहाँ तीन लिखिए, उसके बाद कितने दस का पूछा है, इसलिए दस गुणा ग्यारह बटे कितना दो, इससे काट देंगे तो कितने आ जाएंगे, ग्यारह पंजे पचपन, और तीन ये बाहर हैं गुणा में, पचपन तियाँ कितना हो जाएगा, एक सौ पैंसठ, ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपको। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चार के प्रथम आठ गुणजों का योग, ठीक, प्रथम आठ गुणजों का योग है, किसके हैं, चार के, तो चार को बाहर लिखेंगे, क्या करना है, गुणा आठ, आठ में एक जोड़ेंगे नौ, बटे कितना करेंगे दो, दो चौक आठ, चार चौक सोलह, सोलह नेमा एक सौ चवालीस। ठीक है, बिल्कुल इजी है, एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। पाँच के प्रथम बीस गुणजों का योग, सर कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही गर्मी हो रही है इस समय, देख रहे हैं मेरे माथे पर पसीना आ रहा है, तो मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं, तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही दोस्तों।